तेरी माँ का मुकुट क्वीन क्राउन सर। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ और बॉलीवुड, यानी कि वो इंडिया ही होगा, तो इंडिया की अपकमिंग बिग बजट, सबसे ज़्यादा बजट वाले मूवीज़। तो टॉप 5 मूवीज़ को मैंने ही कवर किया है। बाकी इस पर अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको और आपने इसको लाइक किया और दोस्तों के साथ शेयर किया, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर लाऊंगा। तो वीडियो को किसी भी देरी के बिना शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको हमेशा की तरह एक ही काम करना होता है, जो आप मेरे कह बगैर भी करते हैं या नहीं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कह पर तो ज़रूर कर दिया करें। तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नंबर 1 पर जो मूवी आती है वो है सलार। सलार एक एंटीसेप्टेड और सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाली मूवी है 2022 की, तो लेकिन इसे किया जाने वाला है 2023 में रिलीज। तो मूवी के स्टार कास्ट में नज़र आने वाले प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमार जिन्होंने अभी रिसेंट ही इस मूवी को ज्वाइन किया है, यहाँ श्रुति हसन, जगपति बाबू और भी काफ़ी बड़ी बड़ी स्टार यानो इस मूवी में देखने को मिलने वाली है। जहाँ मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसको प्रशांत नील जियाँ KGF और KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने ही ट्रैक करे हैं। तो मूवी की स्टोरी लाइन में बताया जा रहा है कि मूवी की स्टोरी KGF के बाद की होने वाली है। तो मूवी कैसी होती है वो तो आने पर ही पता चलेगा। तो इस मूवी का भी बजट काफ़ी बड़ा होने वाला है। तो मूवी का बजट 500 से 700 करोड़ होने वाला है, जी हाँ, प्रशांत नील की पिछली फिल्म से ज़्यादा बजट होने वाला है सलार मूवी का। तो बाकी देखते हैं कि मूवी कितना कलेक्शन कर पाती है। इतना बड़ा बजट है तो मूवी कलेक्शन तो अच्छा करेगी, तो फिर ही इसका नेक्स्ट पार्ट या इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाएगा। सलार मूवी में प्रभास लीड रोल में है, तो कहा जा रहा है कि वो KGF चैप्टर 2 में जो एक छोटा सा लड़का था उसी को आगे उसकी स्टोरी बताई जाएगी जब वो बड़ा होता है। तो ये अभी कंफर्म नहीं है कि यही स्टोरी दिखाई जाएगी या और स्टोरी इस मूवी में दिखाई जाती है, वो तो मूवी के आने पर ही पता चलने वाला है। बाकी इतनी बड़ी कास्ट है तो मूवी का बजट भी काफ़ी बड़ा है, तो मूवी अच्छी होने ही वाली है। तो देखते हैं कि मूवी कब तक आती है और कब तक ये मूवी अच्छा कलेक्शन कर पाती है सिनेमाघरों में या नहीं, वो तो आने वाले वक्त ही पता चलेगा। वैसे ये मूवी इसी साल रिलीज़ होने वाली थी 2022 के लास्ट मंथ में, लेकिन अब उनकी आदिपुरुष मूवी आ रही है तो ये मूवी आगे हो चुकी है। तो मूवी को 2023 के लास्ट या मिड में रिलीज़ करने का प्लान किया जा रहा है। बाकी देखते हैं कि मूवी तब तक आती है या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलने वाला है दोस्तों। तो नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो है PS1। PS1 एक तमिल एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जहां मूवी को डायरेक्टर हैं मणिरत्नम जी। मणिरत्नम ने काफ़ी अच्छा ड्रैक किया है मूवी को, ये बताया जा रहा है, और मूवी का बजट काफ़ी बड़ा रखा गया है। मूवी का बजट शायद 700 से 800 करोड़ बताया जा रहा है। बाकी ये कन्फर्म नहीं है कि यही बजट है, लेकिन उन्होंने कहा है तो फिर यही होगा। और मूवी काफ़ी अच्छा कलेक्शन करने वाली है दोस्तों सिनेमाघरों में, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टार है और काफ़ी ज़्यादा बजट लगा है मूवी में। जहां मूवी के स्टार कास्ट की बात करें तो ऐश्वर्या राय, विक्रम, कार्थी, जयाम रवि और ऐश्वर्या लक्ष्मी जैसी बड़ी कास्ट मूवी में नज़र आने वाली हैं। और इनके अलावा भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार मूवी में नज़र आने वाले हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि विक्रम प्रभु, इन्हें आप जानते तो नहीं होंगे लेकिन ये भी मूवीज़ बनाते हैं दोस्तों, इनकी भी देखा करो यार मूवी। तो ये भी एक मूवी में नज़र आने वाले हैं, जहां मूवी की रिलीज डेट बताई जा रही है 30 सितंबर 2022, इसी साल रिलीज़ हो रही है मूवी। जहां मूवी काफ़ी अच्छी होने वाली है। पुनियन सेल्वन मूवी का नाम है, जो कि एक कॉमिक बुक पर बेस्ड है, जहाँ मूवी का पार्ट 1 रिलीज़ हो रहा है। जी हाँ, पार्ट 1 है, यानी कि मूवीज़ को 2 पार्ट में रिलीज़ किया जाने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन मेकर्स की माने तो इस मूवी का 3रा पार्ट भी आ सकता है, अगर मूवी अच्छी बनी या अच्छा रन किया तो इसका 3रा पार्ट भी आएगा। तो काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है, जहां जयम रवि, कार्थी और विक्रम 3 बड़े अदाकार तमिल इंडस्ट्री के नज़र आने वाले हैं एक साथ एक मूवी में। तो मूवी धमाका करेगी ही करेगी। तो मूवी का बजट भी काफ़ी बड़ा है, तो कमाई करे तो फिर ही 2रा पार्ट आ सकता है। बाकी देखते हैं। मूवी का एक छोटा सा टीज़र रिलीज किया गया, जहाँ मूवी के मेन अदाकारों की फर्स्ट लुक दिखाई गई है, लेकिन कुछ खास इस मूवी का पता नहीं चल रहा है कि मूवी कैसी होने वाली है। बाकी मूवी के आने पर तो पता चल ही जाएगा जब इसका ट्रेलर रिलीज़ किया जाएगा या मूवी रिलीज़ होगी सिनेमाघरों में दोस्तों। और नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो है लाल सिंह चड्ढा। इस मूवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि कितनी इंतज़ार के साथ इस मूवी को देखा जाएगा और कितनी अच्छी मूवी होने वाली है दोस्तों। ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जहाँ मूवी में स्टार कास्ट में आमिर खान, नागा चैतन्य ने, जी हाँ, नागा चैतन्य ने इस मूवी में अपना एक बॉलीवुड डेब्यू करे हैं इस मूवी के साथ। तो इसके अलावा करीना कपूर और भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार इस मूवी में नज़र आने वाले हैं, जहाँ शाहरुख खान भी एक स्पेशल अपीयरेंस मूवी में नज़र आएंगे। तो मूवी को डायरेक्ट करें अद्वैत चंदन,
काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं। मूवी का बजट जो बताया जा रहा है वो है 180 करोड़। 180 करोड़ काफ़ी बड़ा बजट है दोस्तों, तो मूवी कवर कर पाती है इतने बड़े बजट को वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलने वाला है। मूवी जो एक रीमेक होने वाली है, जी हाँ, फॉरेस्ट गम, जो कि एक अवार्ड विनिंग मूवी है, इस मूवी का रीमेक होने वाली है, जहाँ मूवी की पूरी स्टोरी लाइन को कॉपी किया गया है। तो देखते हैं कि मूवी पिछली मूवी से ज़्यादा कलेक्शन कर पाती है या नहीं, वो तो मूवी का रिलीज़ पर ही पता चलेगा, जहाँ मूवी का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। ट्रेलर भी पूरा रीमेक है फॉरेस्ट गम के ट्रेलर का, कोई भी सीन इन्होंने खुद से यार लगाए नहीं है सिवाय गानों के। तो मूवी के गाने तो 2-3 रिलीज़ कर दिए गए हैं टी सीरीज़ के ऑफिशियल चैनल पर, तो टी सीरीज़ इसको प्रोड्यूस कर रही है, तो मूवी खुद ही इतना कलेक्शन कर सकती है वो तो मूवी के आने पर ही पता चलने वाला है, बाकी मूवी कैसी होगी देखते हैं दोस्तों। तो लाल सिंह चड्ढा का किस किस को इंतज़ार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो है दोस्तों पठान। पठान जो शाहरुख खान की मूवी है दोस्तों, तो काफ़ी लोगों को इंतज़ार है क्योंकि मूवी का अनाउंसमेंट काफ़ी देर पहले की गई थी और मूवी को इंतज़ार के साथ देखा जाएगा दोस्तों। तो मूवी पठान के नाम से जाहिर है कि सलमान शाहरुख खान नज़र आने वाले हैं, जहाँ मूवी में शाहरुख खान के साथ साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम, दोस्तों जॉन अब्राहम एक मूवी में विलन का किरदार कर रहे हैं, पहले भी एक मूवी में किया है, शायद वो मूवी थी कौन सी थी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, या फिर मैं बता देता हूँ वो मूवी थी दोस्तों रेस। रेस 2 से काफ़ी ज़्यादा सफलता हासिल की थी जॉन अब्राहम ने, तो अब वो नई मूवी में विलन का किरदार कर रहे हैं जो कि है पठान। पठान मूवी का भी बजट काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है, मूवी का बजट शायद 300 करोड़, जी हाँ 300 करोड़ का बड़ा बजट है, तो मूवी धमाका करेगी। और इस मूवी की शूटिंग भी दोस्तों काफ़ी अलग अलग मुल्कों में की गई है, जहाँ दुबई बुर्ज खलीफा पर की गया है इसका फाइट सीन, शायद वो बताया जा रहा है कि वो फिल्म का क्लाइमैक्स होगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्लाइमैक्स होगा या कोई मिड का फाइट सीन वहाँ पर शूट किया गया है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलने वाला है दोस्तों। बाकी मूवी काफ़ी बड़े बजट में है, तो मूवी इतनी बड़े बड़े देशों में शूट हुई है तो मूवी काफ़ी अच्छी होगी। जहाँ छोटा सा ग्लिम्पस रिलीज़ किया गया है, जहाँ ग्लिम्पस में जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की फ़र्स्ट लुक ज़ाहिर की गई थी, लेकिन शाहरुख खान की नहीं की गई थी, लेकिन उनके अब जन्मदिन पर उनकी एक फ़र्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ किया गया है, जो कि बताया जा रहा था कि एक हॉलीवुड मूवी बीस्ट का कॉपी है, जो कि सही निकला, वाकई कॉपी था मूवी का पोस्टर। तो बाकी देखते हैं कि मूवी यार किसी मूवी की रिमेक ना हो और मूवी अच्छा कलेक्शन कर जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा बजट है और बजट तो कवर करने चाहिए। वैसे शाहरुख खान की मूवी है दोस्तों, तो हिट तो साबित होगी होगी, वैसे पिछली मूवी उनकी ज़ीरो फ्लॉप थी, तो अब वो काफ़ी देर बाद कम बैक कर रहे हैं एक नई मूवी के साथ दोस्तों। और इसके मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो जहां मूवी को रिलीज़ करने वाले हैं अगले साल 2023 में 25 जनवरी को, जी हाँ 25 जनवरी को मूवी रिलीज़ कर रहे हैं, जहां मूवी को इसी साल रिलीज़ करना था, लेकिन शाहरुख खान इस मूवी की शूटिंग नहीं कर पाए उनके बेटी की वजह से, क्योंकि उनको जेल हुई थी। तो अब इस मूवी को 25 जनवरी से रिलीज़ किया जाने वाला हिंदी तमिल और तेलुगु में दोस्तों। नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है वो है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक एंटीसेप्टेड एक्शन थ्रिल और फैंटसी फिल्म होने वाली है, बॉलीवुड की पहली बड़े बजट में फैंटसी फिल्म बन रही है। मूवी को डायरेक्ट करें अयान मुखर्जी, अयान मुखर्जी भी काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं दोस्तों। तो मूवी में लीड रोल में नज़र आने वाले हैं रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, मौनी रॉय, नागार्जुन और शाहरुख खान भी रणबीर कपूर के फादर के रोल में नज़र आने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है, जहाँ रणबीर कपूर शिवा के किरदार में नज़र आएंगे। तो फैंटसी फिल्म है जहाँ हर आदमी के पास एक पावर दिखाई गई है, ब्रह्मास्त्र जो अस्त्र इस मूवी की स्टोरी लाइन में बताया जा रहा है कि अस्त्र की स्टोरी दिखाई जाएगी, तो काफ़ी ज़्यादा अस्त्र हैं, तो देखते हैं कि मूवी कैसी होती है। बाकी मूवी का ट्रेलर रिलीज़ किया गया है, ट्रेलर से काफ़ी अच्छी फिल्म लग रही है, क्योंकि बॉलीवुड की कोशिश है फैंटसी फिल्मों और यूनिवर्स बनाने में, तो देखते हैं कि मूवी कितनी अच्छी साबित हो पाती सिनेमा में। तो इस मूवी का भी बजट जो बताया जा रहा है दोस्तों वो भी काफ़ी बड़ा है, मूवी के VFX वगैरह और सिनेमाटोग्राफी पर ही लगाया गया है, क्योंकि इतना बड़ा बजट है तो मूवी का VFX लोकल ना लगे, तो इसके लिए काफ़ी मेहनत की गई है मूवी के VFX पर। तो मूवी कब तक आती है तो बता देता हूँ कब तक आती है, 9 सितंबर 2022 को रिलीज़ होने वाली है मूवी, हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा भाषा में। मूवी का पहला सॉन्ग रिलीज़ किया गया है, ट्रेलर में काफ़ी कुछ दिखाया नहीं गया मूवी के बारे में, लेकिन स्टोरी भी थोड़ी सी उनको अपने पास रखनी होती है ना मूवी के लिए। बाकी देखते हैं कि मूवी कितनी अच्छी है और कितनी हिट साबित हो पाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में दोस्तों।
तो दोस्तों यहीं तक का था आज का वीडियो। होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी अपडेट हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। और इन बड़े बजट वाली मूवीज़ में से आपको किस मूवी का ज़्यादा इंतज़ार है मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखा करें, क्योंकि मैं अक्सर कॉमेंट्स का जवाब देता रहता हूँ। इंडियन डर्ट ओनली इंडियन एंड कैन क्लीन व्हाइट एंड ब्लैक सर।